चाहे मोबाइल से शूट करो या कैमरा से, क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ऑडियो। और अगर ऑडियो को आप मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करते हो तो आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके सिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप प्रोफेशनल लेवल ऑडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर पाओगे, चाहे फिर आप कॉमेडी वीडियोज़ बनाओ, चाहे व्लॉग्स या फिर टेक वीडियोज़। इस वीडियो में सबसे पहले देखो, अगर आप शॉर्ट फिल्म्स या कॉमेडी वीडियोस या स्टोरी वाली वीडियोस आप रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आवाज़ रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। जैसे राउंड टू हेल अपने स्टार्टिंग के करियर में करते थे, पहला तरीका तो ये कि मोबाइल फ़ोन को आप हाथ में पकड़ के रिकॉर्डिंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आवाज़ इसमें आती है। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में नज़र ना आए वीडियो के अंदर, तो उसके लिए आता है हमारा तरीका नंबर 2। बेसिकली उसमें आपको करना क्या है कि आपका जो कैमरा है जिसमें भी आप शूट कर रहे हो उसके अंदर आप पहले सीधा शूट करोगे बिना माइक के, बिना रिकॉर्डिंग के, जिस तरीके से आपका एक्टर डायलॉग बोलेगा वो। उसके बाद जैसे ही कट लगेगा, यानी कि जैसे ही आपका सीन खत्म होता है, वहाँ पे आपको तुरंत अपना मोबाइल निकालना है और मोबाइल के अंदर सेम तरीके से वो डायलॉग को रिपीट करना है। अब ये हमारा डायलॉग है बिना ऑडियो रिकॉर्डिंग किए। अब ये हमारा डायलॉग है बिना ऑडियो रिकॉर्डिंग किए। अब ये हमारा डायलॉग है बिना ऑडियो रिकॉर्डिंग किए। अब वहीं पे क्यों करना है ये चीज़, क्योंकि देखो अगर आप घर आके वॉइस ओवर करोगे तो वहाँ पे बेसिकली ना तो वो कभी फ्लो बन पाएगा और ना ही आसपास का जो एनवायरनमेंट का साउंड होता है, जैसे चिड़िया का या धूप का या छांव का, हवा का, जो भी साउंड है वो कभी भी नेचुरल नहीं लगेगा। तो जो वॉइस ओवर होता है काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आती है कि वहीं पे ऑडियो रिकॉर्ड आप करोगे, अगर वहाँ पे देखो क्वालिटी तो आपको अच्छी मिल रही है लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि शोर भी आ रहा है साथ साथ। तो उस शोर से बचने के लिए हम फिर कर सकते हैं अपना स्टेप नंबर 3। अब ये जो स्टेप नंबर 3 है ये भी हमारा 2 पार्ट्स में, यानी कि 2 तरीकों से आप इसको कर सकते हो। पहला तरीका है जो काफ़ी अच्छा है, वो है हमारा रुमाल। अब ये रुमाल बेसिकली कैसे आपकी ऑडियो में मदद करेगा, तो जैसे ही आप मोबाइल में देखो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल चालू करोगे, उसमें देखो बेसिकली आपको मोबाइल लपेटना है कुछ इस तरीके से, और वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल के ऊपर कपड़ा इतना टाइट भी ना लपेट देना कि क्या वो माइक ही बंद हो जाए। कपड़ा आपको लपेटना है अच्छे से, उसके बाद जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करोगे तो आसपास का शोर थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपकी ऑडियो की जो बेस है वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो के अंदर हमें नज़र आएगी। और मोबाइल फ़ोन के ऊपर रुमाल लपेटने के बाद अगर हम ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके की आवाज़ हमें देखने को मिलती है, और बिना फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड किए कुछ इस तरीके की आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। तो जो फ़र्क है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। और दूसरा आखिरी जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारी ऑडियो में से नॉइस हटाने का, बिल्कुल वो बेसिकली सभी बड़े बड़े क्रिएटर्स भी करते हैं। माइक ले लो, उसके अंदर भी यही तरीका करना पड़ेगा और हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर भी। वो ये कि बेसिकली आपकी ऑडियो के लेवल्स आपको कम करने पड़ेंगे। अब जितने हमारे बाय डिफ़ॉल्ट वाले फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें ऑडियो रिकॉर्ड आप करते हो, उनके अंदर ज़्यादातर ये जो लेवल्स होते हैं ये सेट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता। तो बेसिकली अब जैसे अलग अलग एप्लीकेशंस आती है, फ्री होती है काफ़ी सारी, अब डॉल्बी साउंड के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि लेवल्स सेट कर सकते हैं हम, कि लेवल्स क्या होते हैं बेसिकली कि माइक के अंदर कितनी ज़्यादा आवाज़ जानी चाहिए। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये वाली आवाज़ जा सकती है, लेवल अगर थोड़ा कम कर देंगे तो जो आसपास का जैसे एसी चल रहा है तो एसी की आवाज़ इसमें नहीं जाएगी, थोड़ा और लेवल कम कर देंगे तो जो मेरी आवाज़ में से जो मैं सांस ले रहा हूँ, पास की जो सांस है वो भी आनी बंद हो जाएगी। धीरे धीरे करके जो हमारी हल्की आवाज़ बाहर से आ रही होती है वो आनी कम हो जाती है जैसे जैसे हम लेवल को कम करते जाएंगे। अब देखो किसी की आवाज़ हाई पिच वाली होती है तो किसी की थोड़ी भारी आवाज़ की होती है, तो सबके लिए जो लेवल होते हैं वो सबके लिए अलग अलग रहेंगे। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर डिसाइड करना है कि आपकी आवाज़ के हिसाब से लेवल कौन सा सेट है। एक बार आप लेवल को सेट करना समझ गए, यानी कि आपको समझ आ गया कि कौन से लेवल पे आपकी ऑडियो सबसे अच्छी रिकॉर्ड होती है, तो फिर आप चाहे कॉमेडी वीडियोज़ बनाओ, चाहे व्लॉग्स बनाओ, या फिर रिव्यूज़ या फिर रोस्टिंग वीडियोज़, कुछ भी बनाओ, आपकी ऑडियो बहुत अच्छी रिकॉर्ड होगी। तो गाइस आई होप आपको समझ आया कि मोबाइल फ़ोन के अंदर फ्री में कैसे आप अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे फिल्म मेकिंग रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हम यहाँ पे लेके आएंगे। और हमारा यूट्यूब के लिए नया चैनल भी है क्रिएटर वर्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके सब्सक्राइब करो यूट्यूब ग्रोथ की टिप्स के लिए।